नागपुर शहर के अंबाझरी तालाब के पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागृह बनाने की मांग को लेकर बुधवार को पूर्व सांसद जोगेंद्र कवाड़े ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भेंट ली। नाम का सांस्कृतिक भवन था, स्मारक था, उसको महाराष्ट्र सरकार खुद बनाएगी, खुद कोशिश करेगी और जल्द से जल्द इसका फैसला हम करेंगे और वहाँ उस जगह पर बाबा साहब का सुंदर प्रकार का राष्ट्रीय स्तर का स्मारक सरकार की तरफ से हम बनाएंगे। महानगर पालिका हो, पर्यटन विभाग हो, जिनको जो मदद लगे हम करेंगे, लेकिन ये स्मारक हम वहाँ पर निश्चित बनाएंगे। हमने दरखास्त ये भी की, विनंती की, कम से कम ये अधिवेशन समाप्त होने के पहले सरकार की तरफ से अगर इसकी घोषणा हो जाती तो हमारे विदर्भ की, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत खुशी होगी। तो मुख्यमंत्री महोदय ने देखिए सकारात्मक जवाब दिया है, देखते हैं अभी अधिवेशन समाप्त होने के पहले क्या होता है। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मामले को 2018 से लटका हुआ मामला है। आपने जो सवाल किया, आपका सवाल था, ये इसके पहले 2021 में हमने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था, आंदोलन किया था कलेक्टर कचहरी पर, करीब करीब 20-25 हज़ार लोग उस आंदोलन में थे और वो निवेदन कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी की तरफ दिए, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे जी को दिए। बार बार मैं उनको निवेदन देता रहा, जब मैं विधायक भी था उस वक्त बार बार उद्धव ठाकरे जी को निवेदन दिया, आदित्य ठाकरे जी को निवेदन दिया। बार बार निवेदन देने के बाद भी साधा उसका एक्नॉलेज करने की लेकिन सौजी ने नहीं दिखाया, उद्धव जी ने और हमारे आदित्य ठाकरे जी ने। और ये बात हमने ध्यान में ला के दी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रवादी की सरकार थी, शिवसेना साथ में थी। महाविकास आघाड़ी की सरकार होने के बाद भी, कांग्रेस साथ में होने के बाद भी, राष्ट्रवादी साथ में होने के बाद भी हमारा भवन तोड़ा जाता है, इसका हमें बहुत दुख लगता है। और इसीलिए हमने मुख्यमंत्री महोदय जी से कहा कि आपका अधिवेशन समाप्त होने के पहले आप निश्चित रूप से घोषणा करें कि हम जिसी जगह पर 20 एकड़ जगह पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भव्य दिव्य स्मारक निश्चित निर्माण करेंगे, ऐसे आप जनता को आश्वस्त करें। और मुख्यमंत्री महोदय ने उसका सकारात्मक जवाब दिया। धन्यवाद।